Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing really really good. Welcome back to the platform of Unacademy. कैसे हो बच्चों? I hope कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है. I hope कि एकदम धुआंधार तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो. I hope कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो. I hope आप मेरे साथ प्रॉपर रिविजन प्लान बना के पढ़ाई कर रहे हो. मैं आपके बहुत सारे टेस्ट ले रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करवा रही हूँ. आई होप कि आप अपने रिविजन्स में उतने ही ज़्यादा रेगुलर है जितनी मैं आपके रिविजन्स में हूँ. करेक्ट? तो आ जाइए बच्चों, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द क्लास. आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. आज की क्लास में ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर के डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. ओके एवरीबॉडी, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. जिस टाइम पे भी रिकॉर्डेड वाले बच्चे देखेंगे, लाइव बच्चों के लिए अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ओके ओके ओके, ऑल राइट. ओके न्युश्रित, हरेश, शुभी, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून. आज की क्लास में आपका स्वागत है. आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है दीपिका राठी और मैं अनअकैडमी पे ऑडिट और लॉ दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि आपको गाइड कर सकूँ, बेस्ट वे में मोटिवेट कर सकूँ, बेस्ट वे में आपके रिविजन्स आपको करवा सकूँ, बेस्ट वे में आपको पढ़ा सकूँ. बच्चों, अगर आपने अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीचर किस समय आके क्या टॉपिक आपको लाइव पढ़ाने वाला है. अनअकैडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, एक आइकॉनिक एक प्लस. आइकॉनिक के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपको पर्सनली गाइड किया जाता है आइकॉनिक में, और साथ साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं डिफरेंट ऑथर्स के. That is in the iconic subscription. पर चाहे आप iconic लें चाहे आप plus लें, आपको complimentary test series दोनों subscriptions में मिलेगी. तो Unacademy पे आप 3 months, 6 months, 12, 18, 24 months तक के subscription को ले सकते हो. आपके एक subscription से आप group 1 के जितने subjects हैं, group 2 के जितने subjects हैं, उन सब subjects का classes आप एक subscription में avail कर सकते हो. तो अगर आपको systematic way में Unacademy पे पढ़ना है तो आप Unacademy पे subscribe कर लो, और आप लोग मेरा code use कर सकते हैं CA Deepika, मेरे से धुआंधार तरीके से audit और law सीख सकते हैं Unacademy पे, और different teachers हैं different different subjects के लिए जिनसे आप प्रॉपर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के क्लासेस को कर सकते हो. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू यूज अ कोड CA Deepika मेरा कोड है. इस कोड को यूज करने से आपको मिलेंगे डिस्काउंट्स, साथ में मेरा अनलिमिटेड मोटिवेशन एंड प्यार. आ जाइए. ओके, गुड आफ्टरनून बेरा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. सारे बच्चे आ गए हैं क्या जिसको ऑडिट ऑफ बैंक को पढ़ना है? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. चलिए, ओके, तो ये ऑडिट ऑफ बैंक का चैप्टर है. इस चैप्टर को मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर के, वो सारे लॉजिक के साथ, सारे 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्लास में कवर करूंगी. हो सकता है हमें ऑडिट ऑफ बैंक पढ़ने में दो क्लास लग जाए, क्योंकि एक क्लास अपनी सिर्फ 1 आवर की होती है. तो आज मैं आपकी 1 घंटा की क्लास लूंगी, फिर एक और 1 घंटा की क्लास लूंगी, जिसमें ऑडिट ऑफ बैंक के पूरे चैप्टर को हम सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे. करेक्ट? चलिए, सबसे पहले बेसिक चीज, आपको पता है कि बैंक्स के फंक्शनिंग को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग सिस्टम जो हमारा है उनको कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच एक्ट्स एज अ सेंट्रल बैंकर ऑफ अवर कंट्री. तो आप सबको पता है बैंक्स को कौन, बैंकिंग इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है. करेक्ट? ओके, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आरबीआई के फंक्शंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है. पहले आरटीपी में भी आया है ये क्वेश्चन, इट कैन गेट आस्क्ड इन एग्जाम. तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा जी? इट डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. मतलब भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसके मेंबर्स. भारत, एक मिनट, थोड़ा पतला पेन लेना होगा. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मेंबर्स. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, जैसे बैंक्स, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब मेंबर्स को वो क्या करता है? उनका डेवलपमेंट करता है, उनको सुपरवाइज करता है. तो आरबीआई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो मेंबर्स है, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे एनबीएफसीज हो गए, उनको डेवलप करता है, उनको सुपरवाइज करता है.
ये क्या करता है, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कंजंक्शन मतलब मिलकर, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह को ड्राफ्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आवर, मतलब सिचुएशन को देखते हुए, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनिटरी पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और सारे कमर्शियल और अदर बैंक्स के एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, मतलब पूरे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो मेरे साथ साथ आप अगर चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, आपको पता है मेरे क्लास की क्या खास बात है, वैसे यूट्यूब पे तो कम नोट्स बनते हैं, अनअकैडमी प्लस पे तो मैं बहुत नोट्स बनवाती हूँ, मतलब हर चैप्टर के नोट्स बनवाती हूँ। आरबीआई सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाला, आरबीआई, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा, आ जाओ सारे बच्चे आराम आराम से पढ़ेंगे, दो लेक्चर्स में पूरे चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है और सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है, किसको, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, IFS, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब मेंबर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर मेंबर्स देख सकते हैं टू सिंप्लीफाई। ओके मैडम, और क्या करता है बेटा जी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, इन कंजंक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसीज जो होते हैं आप लोगों की, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह को ड्राफ्ट करते हैं, मॉनिटरी क्रेडिट पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं बेसिकली बैंक रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई रेगुलेट करता है। वेरी वेरी गुड। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द बुलेट रिवीजन दिव्या राकेश, बेटा दिव्या दिव्या सबसे पहले तो अपने ऑडिट ऑफ बैंक कर रहे हैं, कल और परसों आपका ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, उसके बाद हम ऑडिट ऑफ बैंक लेंगे वापस से एक और लेक्चर, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या है, अब हम उस पर ध्यान देंगे, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका काम क्या है। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में क्या करते हैं, करेंसी इशू करते हैं। कौन करेंसी करता है इशू इंडिया में, आरबीआई क्या करती है, करेंसी इशू करती है। उसके बाद आरबीआई जो है इट एक्ट्स एज अ बैंकर, आरबीआई बैंकर जैसे एक्ट करता है, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अदर कमर्शियल वगैरह बैंक्स के लिए भी इट एक्ट्स एज अ बैंकर, करेक्ट। कोई भी बैंक को अगर काम करना है बैंकिंग सिस्टम में, अगर काम करना है तो इन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस देता है। तो देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई करेंसी को इशू करता है, करेंसी इशू को रेगुलेट करता है कि कितनी करेंसी इशू करनी है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर, ये बैंकर जैसा काम करता है टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर टाइप ऑफ बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हो गए जैसे आपके ICICI बैंक्स वगैरह, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए बैंकर जैसा एक्ट करता है और अदर टाइप ऑफ बैंक्स के लिए भी ये बैंकर जैसा एक्ट करता है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कमर्शियल और अदर बैंक्स के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की, जो भी आपके हमारे कंट्री में जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो अदर बैंक्स हैं उनके एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। और साथ साथ में नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस, कोई भी बैंक बैंकिंग बिजनेस कर ही नहीं सकता और नया ब्रांच भी नहीं खोल सकता जब तक उन्हें लाइसेंस ना मिल जाए आरबीआई से। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिए, बताओ फंक्शंस क्या हैं आरबीआई के बेटा जी, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, करेंसी को इशू करना, करेंसी इशू को रेगुलेट करना किसका काम है, आरबीआई का। ये क्या करता है, बैंकर जैसे एक्ट करता है, किसके लिए बैंकर एक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इट्स एज एक्ट एज अ बैंकर फॉर अदर कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो एंड अदर बैंक्स, ओके। उसके बाद क्या करता है, पूरे के पूरे बैंक्स जो है आपके बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर आपको कोई नया ब्रांच खोलना है, न्यू ब्रांच खोलना है या किसी को भी बैंक, किसी भी बैंक को बिजनेस करना है बैंकिंग का, किसी को भी अगर बैंकिंग का बिजनेस करना है तो उन्हें किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये फंक्शंस हैं आरबीआई के। सारे बच्चे सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो पहला जो पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो डेफिनेटली इस पॉइंट पे आ सकता है कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई के फंक्शंस क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देख ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये लोग क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, पूरे कमर्शियल और अदर बैंक्स को ये रेगुलेट करता है, उनके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है, वेरी गुड। उसके बाद
कितने टाइप की ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है? जब एक ऑडिटर बैंक की ऑडिट करने जाता है तो कितने तरह की ऑडिट रिपोर्ट इशू करती है? देखो, एक तो ऑडिटर अपनी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें वो अपना ओपिनियन देगा एज पर ऐसे 705 अगर मॉडिफाई करना है या अदर मैटर वगैरह लिखेगा ऐसे 700 के हिसाब से ओपिनियन देगा। एक तो स्टैचुटरी ऑडिट रिपोर्ट, जो किसी भी आप ऑडिट करने जाओगे किसी भी कंपनी की ऑडिट करोगे तो ये स्टैचुटरी ऑडिट रिपोर्ट तो आपको इशू करनी ही पड़ेगी। एक इनकम टैक्स के हिसाब से आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। एक बैंक के केस में ना एक स्पेशल रिपोर्ट भी ऑडिटर को इशू करनी पड़ती है, इसे कहते हैं LFAR। इसका है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ जब आप बैंक्स की ऑडिट करते हो, ओनली एंड ओनली व्हेन यू ऑडिट बैंक्स। जब आप बैंक्स की ऑडिट करते हो ना तब आपको LFAR क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। LFAR इशू करना पड़ता है ओनली एंड ओनली व्हेन यू ऑडिट अ बैंक। LFAR में ना कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, LFAR में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। ये क्वेश्चंस कौन ड्राफ्ट करता है? RBI। तो बेसिकली ये ऑडिटर LFAR को फिल करता है और किसको सबमिट करता है, RBI को फिल करके सबमिट करता है। LFAR में जो जो चीज़ें आपको लिखनी है वो कौन बताता है, RBI बताता है कि किन किन चीज़ों पे आपको LFR में रिपोर्ट करना है। ऑडिटर इस LFR AR को बना के किसको सबमिट कर देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट कर देता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, मतलब एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस मतलब आपकी ऑडिट की टीम जो ऑडिट करने गई है वो एक दूसरे में क्या करती है, डिस्कशंस करती है। ऑल दीज डिस्कशंस, जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स मतलब ऑडिट के टीम मेंबर्स, एक आदमी अकेला तो ऑडिट करने जाता नहीं है, पांच छह आदमी मिलकर ऑडिट करने जाते हैं। बड़े बड़े बैंक्स हैं तो ऑफकोर्स बड़े बड़े टीम जाती है ऑडिट करने के लिए। तो जो भी एंगेजमेंट टीम अपने आप में डिस्कशन कर रही है उसे अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मतलब ऑल द डिस्कशंस, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो अपने आप में डिस्कशंस कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। क्यों? ताकि फ्यूचर में ये डिस्कशंस काम आएंगे। ये डिस्कशन क्या प्रोवाइड करते हैं, एंगेजमेंट टीम जैसे पांच छह लोग ऑडिटर्स एक साथ बैठे हुए हैं एक दूसरे में डिस्कशंस कर रहे हैं तो इन डिस्कशंस को डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए बोला जा रहा है। ये डिस्कशंस क्यों किए जाते हैं, देखो एन अपॉर्चुनिटी। देखो जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है जिन्होंने बहुत सारी ऑडिट्स की हुई है बैंक की, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने दूसरे ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर कर सकते हैं, अपने बैंकिंग नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली एंगेजमेंट टीम डिस्कशन से क्या होगा, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करने से क्या होगा, जो एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर है वो क्या कर सकते हैं, इन डिस्कशंस द्वारा शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ बैंक शेयर कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ये अगर आप एक दूसरे में बातचीत करोगे तो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे कि कितनी बिजनेस बैंक में बिजनेस रिस्क है। जैसे मेरे हिसाब से मैं एक टीम मेंबर हूँ, मुझे कुछ बैंक के रिलेटेड बिजनेस रिस्क लग रही है, दूसरे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कुछ रिस्क के बारे में, तो हम एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे। तो बेसिकली जितना भी बिजनेस रिस्क हमें लग रहा है बैंकिंग का वो हम एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे और हमें अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द इफेक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट। बेसिकली बातचीत करने से, अगर एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर से बातचीत करेगा तो बातचीत करने से उनको पता चलेगा जितनी भी रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई की है उसका इफेक्ट ऑडिट पे क्या आ रहा है। मतलब ये जो रिस्क ऑडिट के दौरान दिख रही है बैंक में, जो रिस्क दिख रही है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करके जो उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई की है उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से वो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बोला, क्या बोला जी मैंने आपको, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो होते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में डिस्कशंस करते हैं। ये डिस्कशंस को क्या बोला गया है कि इन डिस्कशंस को क्या कर देना चाहिए, डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। क्यों डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, ये डिस्कशन से क्या होता है, अगर एक दो मेंबर्स अपने आप में बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा। देखो इससे सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर को अपना नॉलेज वगैरह शेयर करने के लिए। एक्सपीरियंस टीम मेंबर जो होगा वो अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, बैंक्स को लेकर अपना नॉलेज शेयर कर सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है टीम मेंबर्स के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, डिस्कशंस द्वारा इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेट्स से रिस्क वगैरह, जो बिजनेस रिस्क वगैरह है बैंक के
के ऊपर लगने वाले जो बिजनेस रिस्क वगैरह, बैंक का जो बिजनेस बैंक कर रही है, बैंकिंग बिजनेस जो कर रही है उस पर जो रिस्क आ रही है, एक दूसरे से डिस्कशन करके आप क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की। और क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अगर आप डिस्कशंस करोगे, दिस डिस्कशंस विल हेल्प इन इवैल्यूएटिंग, आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि कितना रिस्क है जो इफेक्ट कर रहा है ऑडिट, इवैल्यूएटिंग द रिस्क इफेक्टिंग द ऑडिट। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, एनटीई डिसाइड कर सकते हो ऑडिट प्रोसीजर्स के। अगर डिस्कशन करोगे तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? सारे बच्चे मुझे बताएंगे इजीली। वेरी वेरी गुड, परफेक्टो बेटा, परफेक्टो। चलो तो आप लोगों ने समझ लिया कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स डिस्कशन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई, ताकि एक्सपीरियंस टीम मेंबर नॉलेज शेयर कर सके, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सको कि एक दूसरे के हिसाब से रिस्क कितनी है, और साथ साथ में आपको आप ये भी इवैल्यूएट कर पाओगे कि कितनी रिस्क है ऑडिट पे जिसका इफेक्ट आ रहा है, और एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड कर पाओगे। वेरी वेरी गुड। एंगेजमेंट टीम जो डिस्कशन करती है ऑर्डिनरली इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। एंगेजमेंट टीम जो एक दूसरे में डिस्कशन करती है वो किन मैटर्स को लेके डिस्कस करती है? देखो आप ये डिस्कस करते हो एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू अकर, किस किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं, एरर्स जो प्रायर ईयर्स में आए हैं, पिछले सालों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कैसे कैसे एरर्स बैंक ने फेस किए हैं, किन मेथड्स द्वारा बैंक के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, मेथड बाई विच फ्रॉड कैन बी पेनिट्रेटेड बाई दी बैंक पर्सोनल और अदर्स, ऑडिट रिस्पॉन्स टू रिस्क, ऑडिट कैसे रिस्पॉन्स करेगा रिस्क को, मतलब किस तरीके से आप ऑडिट करो ताकि रिस्क को एड्रेस कर सको, ऑडिट के दौरान आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करनी है और अलर्ट रहना है अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंडिकेट करती है कि मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर अगर आपको मिलती है तो आप अलर्ट हो जाओगे। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई मिसस्टेटमेंट है, बहुत सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, तो आप अलर्ट हो जाओगे। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये डिस्कशंस आप किन चीज़ों के बारे में करते हो, किन मैटर्स को लेकर आप डिस्कशंस करते हो? सबसे पहले एरर्स, एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू अकर। एरर्स जो ज्यादा होने के चांसेस हैं, एरर्स जो अकर हुए हैं, अकर्ड इन प्रायर ईयर्स, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में अकर हुए हैं, आप उन सब का डिस्कशन करते हो। साथ साथ में आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सारे के सारे मेंटेन करेंगे, आप लोग अलर्ट रहोगे अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंडिकेट करती है दैट देर इज सम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप क्या करेंगे, अलर्ट रहेंगे। और आप एक दूसरे में किन मैटर्स को लेकर डिस्कशन करते हो भाई, बता दो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेथड, किन मेथड्स द्वारा फ्रॉड किया जा सकता है, बैंक के लोग किन मेथड्स को यूज़ करके फ्रॉड कर सकते हैं, आप इस चीज़ में बारे में डिस्कशन करते हो। और किस तरीके से आप ऑडिट करो कि आप रिस्पॉन्ड कर सको रिस्क को, रिस्क को पकड़ सको, ऑडिट रिस्पॉन्सेस टू रिस्क। वेरी गुड एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? इस पर कई बार क्वेश्चन आता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन पे, तो आप लोग को समझ में आ गया कि आप डिस्कशन करने से क्या फायदा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस टीम मेंबर अपना नॉलेज शेयर कर पाएगा, ये अपॉर्चुनिटी है टीम मेंबर्स के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने को रिगार्डिंग बिजनेस रिस्क, आप रिस्क का इफेक्ट इवैल्यूएट कर पाओगे और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड कर पाओगे। कौन से मैटर्स आप डिस्कस करते हो कि पिछले साल एरर्स क्या हुए थे, करंट ईयर में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, किन मेथड्स द्वारा मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज फ्रॉड कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है, अलर्ट रहना है। सारे बच्चे मुझे यहाँ तक बताएंगे, सबको समझ में आ गया क्या, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है बच्चों, ए नींद में झूलते हुए बच्चों, जिनको तुमको नींद आ रहा है ना, ऐसा नींद में मत झूलो बेटा, हैं ऐसे नहीं करते हैं सारे बच्चे। परफेक्टो परफेक्टो। अब आ जाओ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको ही बनाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है, कोई भी एंटिटी हो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही पड़ेगा, तो बैंक को भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनाता है, तो सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 29 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो सेक्शन 29 है उसके, एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के
थर्ड शेड्यूल के अंदर, थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थर्ड शेड्यूल के अंदर दो फॉर्म्स है, एक है फॉर्म ए और एक है फॉर्म बी। फॉर्म ए के हिसाब से आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट को बनाओगे, और फॉर्म बी के हिसाब से आप क्या बनाओगे, पीएनएल को बनाओगे। तो चलिएगा आप याद रखिएगा क्या बोला मैंने, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनाएगी, तो बैंक कैसे बनाएगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थर्ड शेड्यूल में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके थर्ड शेड्यूल में दो फॉर्म्स लिखे हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। फॉर्म ए के हिसाब से आप बैलेंस शीट बनाते हो, फॉर्म बी के हिसाब से आप क्या बनाते हो, पीएनएल बनाते हो। याद रहेगा सबको, थर्ड शेड्यूल के फॉर्म ए फॉर्म बी, फॉर्म ए के हिसाब से बैलेंस शीट, फॉर्म बी के हिसाब से पीएनएल, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, वेरी वेरी गुड। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, चलो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ऑडिट कौन करेगा भाई बैंकिंग कंपनी की, कहता है इट शुड बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन, ऐसा आदमी ऑडिट करेगा ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जो लॉ अभी फोर्स में है उसके हिसाब से जो एक कंपनी की ऑडिट कर सकता है वही आदमी क्या करेगा, ऑडिट करेगा। एवरीबडी आपको समझ में आ गया क्या? चैप्टर बताओ बेटा, पिकाचू चैप्टर बता दो, ऑडिट ऑफ बैंक बेटा, क्या कर रहा है बेटा, व्हाट इज दिस। चलिए ऑल राइट, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट अंडर एनी लॉ, क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, तो आप अच्छे से लिख कर आओगे, ऐसे सीए मत लिख देना, आप जो बुक में लिखा है उस तरीके से लिखोगे। कौन ऑडिट करेगा, अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, जो लॉ अभी फोर्स में है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो जो आदमी लॉ के हिसाब से एक कंपनी की ऑडिट कर सकता है, जो ड्यूली क्वालिफाइड है लॉ के हिसाब से, जो एक कंपनी की ऑडिट कर सकता है वही क्या करेगा, बैंक की ऑडिट करेगा। अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इस पे भी बहुत सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। देखो, ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी, ऑफ कोर्स अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो कौन अपॉइंट करेगा, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। वेरी वेरी गुड, ओके। कहता है अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर को अगर आपको अपॉइंट करना है, नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक बेटा जी पहले ये प्राइवेट बैंक्स थे जो नेशनलाइजेशन के स्कीम के अंडर पब्लिक में, पब्लिक बैंक्स में कन्वर्ट हो गए। सो नाउ नेशनलाइज्ड बैंक्स आर व्हाट बैंक्स, दे आर ओन्ड, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो दीज वर द प्राइवेट बैंक्स बट अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन की जब स्कीम आई तो ये पब्लिक बैंक में कन्वर्ट हो गए, प्राइवेट से पब्लिक बैंक में कन्वर्ट हो गए, ये है आपके नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइजेशन की स्कीम के अंदर पहले थे तो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, पर प्राइवेट से ये पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गए अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन। तो ये होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे आपका पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक क्या है, एक नेशनलाइज्ड बैंक है। तो कहता है अगर आपको नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा, बैंक करेगा थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कहता है इन ईदर द केसेस, मतलब जब यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंट कर रहे थे या नेशनलाइज्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, दोनों ही केस में आरबीआई रिजर्व बैंक की अप्रूवल लेनी जरूरी है, रिजर्व बैंक की अप्रूवल दोनों ही केस में लेनी जरूरी है। कहता है ऑडिटर ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपको स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बैंक ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी एंड एजी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा सी एंड एजी, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक। ऑडिटर ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक की जो सब्सिडरीज है उनके ऑडिटर्स को स्टेट बैंक ही अपॉइंट करेगा। ऑडिटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो छोटे छोटे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके ऑडिटर्स को रीजनल रूरल बैंक्स खुद अपॉइंट कर लेंगे विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके।
ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा एक बार मैं आपको समराइज करती हूँ। नॉर्मली जो आपके बैंक्स है उनके ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। वेरी गुड। अगर आपका बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है तो ऐसे केस में नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ओके दोनों ही केस में, दोनों ही केस में आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी जरूरी है। करेक्ट। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इसका ऑडिटर सी एंड एजी अपॉइंट करता है। अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है तो ये रीजनल रूरल बैंक सेल्फ अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को। प्लस इन्हें क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने ऑडिटर का सेंट्रल गवर्नमेंट से। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? एवरीबडी सबको समझ में आ गया क्या? देख लो किसी को कोई दिक्कत? इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब याद कैसे रखोगे? नॉर्मल बैंक के शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे एजीएम में। नेशनल बड़ा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी फॉर बड़ा नेशनल बड़ा, तो मतलब बी फॉर बड़ा, बी फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओहो मैडम ये क्या है, मेमोरी टेक्निक था बेटा तेरे को याद रखने के लिए, ऐसे ही होगा, क्या कर सकते हैं, चला जा। रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142। सेक्शन 142 आपने पढ़ा है क्या? आपने आपके कंपनी ऑडिट के चैप्टर में सेक्शन 142 पढ़ा था ना? तो कहता है नॉर्मली जो रेम्यूनरेशन आपको देना है जैसा सेक्शन 142 में डिसाइड होता है वैसे ही सेम बैंकिंग कंपनीज में भी 142 के हिसाब से ही क्या होगा, रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा और पे होगा। कहता है पर अगर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, पर अगर आपका बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ऐसे केस में रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? इट इज टू बी फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली नॉर्मली जितने भी दूसरे बैंक्स हैं उनका रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा? जैसे सेक्शन 142 में आप कंपनी के ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को डिसाइड करते हो। पर अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आपका नेशनलाइज बैंक है, बेसिकली गवर्नमेंट वाले बैंक्स हैं, तो ऐसे केस में कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा। कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा। किसकी कंसल्टेशन लेके? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन लेके। नॉर्मली जितने भी दूसरे अदर बैंक्स हैं उनका सेक्शन 142 जो कंपनी का जैसे ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है वैसे ही होगा। बट अगर आपके और आपकी बैंक एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या नेशनलाइज्ड बैंक है तो ऐसे केस में रेम्यूनरेशन रिजर्व बैंक डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? बता दो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो टेंशन, परफेक्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट कहता है इन केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, जब आप किसी इस ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप मान लो किसी नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट करते हो, जैसे जो भी मतलब नेशनलाइजेशन स्कीम, आपको मैंने बता दिया नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है, तो इन केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसमें वो किन किन चीजों के बारे में लिखेगा तो मैं आपको यहां पे लेकर जाती हूँ। नेशनलाइज्ड बैंक की अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा, नेशनलाइज्ड बैंक की अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो बेसिकली जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर बनाएगा वो किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ऐसे केस में ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या मैटर्स को स्टेट करेगा, क्या क्या मैटर्स को स्टेट करेगा? तो सबसे पहले आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे? बैलेंस शीट के बारे में बात करोगे कि जो बैलेंस शीट बनाई है क्या वो बैलेंस शीट, बैंक ने जो बैलेंस शीट बनाई है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या? किसका? बैंक के अफेयर्स का, बैंक के अफेयर्स का, बैंक के ऑपरेशंस का। क्या आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या बैंक के अफेयर्स का, बैंक के ऑपरेशंस का? दूसरा पीएनएल, क्या पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं क्या? किसका? बैंक के प्रॉफिट और लॉसेस का, प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रू फेयर व्यू बैंक देते हैं क्या? बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या होते हैं, इन दोनों में क्या होते हैं? खूब सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका ट्रांजैक्शंस पे है, क्या कि जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने किए हैं, ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन बाय बैंक, जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने किए हैं क्या ये ट्रांजैक्शंस इज विद इन द लिमिट ऑफ द बैंक,
बैंक ने अपनी लिमिट में रह के सारे ट्रांजैक्शंस को किया है ना, विद इन दी लिमिट किया है ना। ऐसा तो नहीं कि एक ट्रांजैक्शन बैंक को नहीं करना चाहिए था, वो लिमिट के बाहर है फिर भी कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली इस ऑडिट रिपोर्ट में, नेशनलाइज बैंक की जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, तो क्या क्या स्टेट करोगे? कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस का, ट्रांजैक्शंस जो भी बैंक ने किए हैं वो विद इन दी लिमिट्स रह के किए हैं ना। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो पहला है बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ना अफेयर्स ऑफ द बैंक का और जो ऑपरेशंस है बैंक के। ही हैड कॉल्ड फॉर एनी एक्सप्लेनेशन, अगर ऑडिटर ने कोई ऑडिट के दौरान इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो क्या वो उसे इन्फॉर्मेशन दी गई, क्या वो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री थी क्या? ऑडिटर इसको भी बताएगा कि ऑडिट के दौरान जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी, क्या उसे इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री थी कि नहीं थी। ऑडिटर स्टेट करेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉसेस का, ठीक है, कवर्ड अंडर द पीरियड। उसके बाद में वेदर और नॉट, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन बैंक ने किए हैं, जो भी ऑडिटर के नोटिस में आए हैं, क्या वो विद इन दी पावर्स ऑफ द बैंक है, मतलब बैंक ने अपनी लिमिट्स में रह के, अपने पावर्स में रह के ही सारे ट्रांजेक्शन को किया है ना। और वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ऑफिस एंड ब्रांचेज ऑफ द बैंक हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। देखो कई बार है ना, अब एक बैंक की हो सकता है बहुत सारे सिटीज में ब्रांचेज हो, तो अब सारे ब्रांच को तो ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो जितने ब्रांचेस की तुम ऑडिट नहीं करते हो उन ब्रांचेस से आप उनकी रिटर्न्स वगैरह को मंगवा लेते हो। तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि जो भी रिटर्न्स उसको दूसरे ऑफिस से ब्रांचेस से मिली है बैंक की, क्या ये एडिक्वेट है क्या फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया, तो बताओ मुझे वापस से बता दो, ऑडिटर जब नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या कंपनी के अफेयर्स का, कंपनी के ऑपरेशन का, और जो भी इंफॉर्मेशन उसने मांगी, इन्फॉर्मेशन जो भी उसने मांगी, क्या उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई कि नहीं हुई, इन्फॉर्मेशन उसे ऑब्टेन हुई कि नहीं हुई। पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का, जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने किए हैं ये विद इन दी पावर्स में रह के किए हैं ना, और ब्रांच के ऑफिसेस से जो रिटर्न्स मिली है ऑडिटर को, ये रिटर्न्स एडिक्वेट है ना फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो आपको ये स्टेट करना है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी वो आपको ऑब्टेन हुई, क्या ये इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री थी कि नहीं, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ना, ट्रांजैक्शंस विद इन दी पावर में रह के किए हैं ना, और ब्रांच ऑफिसेस से, ब्रांचेस से जो आपको रिटर्न्स मिली है दे आर एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एवरीबडी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अंडरस्टूड? बच्चों समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ती हूँ, करना किस पे है? बैलेंस शीट पे, पीएनएल पे। बैलेंस शीट पीएनएल में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ट्रांजैक्शन का एक पॉइंट है और एक पॉइंट है रिटर्न्स का। बैलेंस शीट पीएनएल से क्या बनाओगे? रिटर्न्स बनाओगे, सिंपल। सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो कहता है ऑडिटर ऑफ, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टू बी मेड। अच्छा एक और, एक एनी अदर मैटर, अगर कोई दूसरा मैटर जो उसको जरूरी लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहिए, वो मैटर भी ऑडिटर लिख देगा। इफ एनी मैटर अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर शुड बी ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। मतलब कोई दूसरा मैटर भी ऑडिटर को इंपॉर्टेंट लग गया और उसको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहिए, तो वो भी लिख देगा। रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टू बी मेड टू द सीजी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब आप ऑडिट करोगे, तो जैसे नेशनलाइज्ड बैंक की आप ऑडिट करते हो, ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हो? सीजी को। इन द सेम वे जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी ऑडिट करोगे, तो भी आप ऑडिटर ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यहाँ पे देगा। एंड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिट रिपोर्ट इन द केस ऑफ नेशनलाइज बैंक। कहता सेम तरीके से यही मैटर वो क्या करेगा? रिपोर्ट में स्टेट करेगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? परफेक्ट। तो कहता है जो मैटर्स आपने ऊपर लिखे हैं, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी क्या करोगे? ऑडिट करोगे और ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, तो सीजी को दोगे और यही मैटर्स के बारे में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, परफेक्टो। LFAR, मैंने आपको बोला था जब भी एक ऑडिटर बैंक की ऑडिट करेगा, जब भी एक ऑडिटर बैंक की ऑडिट करेगा, तो उसे एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? जोर से बोलो मेरे साथ। यस, तुम लोग बोलो।
क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ओनली इन द केस ऑफ बैंक ऑडिट, LFAR जिसको बोलते हैं। ऑडिटर तो बेसिकली क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, ऑडिटर को LFAR बनाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जो मैटर्स आप LFAR में लिखते हो वो मैटर्स कौन स्पेसिफाई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है। तो कहता है चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे आपका फॉरेन बैंक हो, कोई भी बैंक की जब एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो क्या बनाएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। और LFAR में उसे किन चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना है, किन मैटर्स के बारे में रिपोर्ट करना है, ये कौन स्पेसिफाई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है। LFAR आप सबमिट करते हो कब, बिफोर 30 जून एवरी ईयर, करेक्ट, 30 जून एवरी ईयर। देखो इसको कैसे याद रखें मैडम, लास्ट डे क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का, एल मतलब लास्ट डे क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का, 31 मार्च। तो 31 मार्च के कितने फार आपको LFAR सबमिट करना है, 1 2 3, 3 महीने फार। तो 31 मार्च में 3 महीने और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30 जून आ जाएगा, ठीक है। तो LFAR इज टू बी सबमिटेड, लास्ट डे क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का, 31 मार्च। 31 मार्च से कितना फार, FAR 3 महीने फार, तो 30 जून। तो आपको LFAR सबमिट करना पड़ेगा बिफोर 30 जून एवरी ईयर, कम से कम 30 जून के पहले पहले आप LFAR को सबमिट कर दोगे। वेरी वेरी गुड, वाह मैडम जी वाह, दिल जीत लेता मैडम, दिल जीत लेता, थैंक्स बेटा जी, थैंक्स, थैंक यू, ओके, वेरी वेरी गुड, ओके। तो मैंने एक बैंक की ऑडिट की है, तो उस बैंक की ऑडिट में जो LFAR होता है ना बेटा, LFAR में ना सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं जिनका आंसर ऑडिटर को फिल करना पड़ता है। और ये LFAR आप RBI को ही दे देते हो, और LFAR में ये जो क्वेश्चंस है वो भी RBI ड्राफ्टेड ही होते हैं। ओके, टू इजी, वेरी गुड। अब आ जाओ नेचर ऑफ सिक्योरिटी पे। सारे बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा है क्या, एक बार आप रिवाइज करना चाहते हो जितना भी आपने पढ़ा है, कि अभी तक सुखद जीवन चल रहा है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं लग रही, या फिर थोड़ा सा लग रहा है मैडम रिवाइज करा दो यार, मैडम क्या फील हो रहा है मुझे बताओ, तुम लोग बताओगे तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, एक्शन लूंगी, मुझे बताओ। तुम लोग को अभी तक सब ऐसा लग रहा है कि अरे मैडम इजीली डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, तब तो ठीक बात है। अगर आपको लग रहा है कि यार करवा ही रही हो तो थोड़ा रिवाइज करवा दो एक बार इस पॉइंट पे आने से पहले, तो मैं रिवाइज करा दूंगी, सुखद चल रहा है। चलो Z1 तो कह रहा है, मेरा तो देखो सुखद चल रहा है, बाकी टेंशन, सही है मैडम, सही है, परफेक्ट, ओके आगे बढ़े। चलिए इज दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओमांश गुप्ता, ओमांश गुप्ता बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेसिकली बेटा जी क्या है ना, ये सीन मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या है, मैं आप लोगों को ना बैंक ऑडिट के बहुत सारे पॉइंट करवा रही हूँ। देखो एक क्लास तो अपनी आज है, आज मैं आपको दो क्लासेस में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगी। सो बेसिकली मैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैंक ऑडिट के आपको कवर करवा रही हूँ। तो ये क्लासेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, आज की क्लास और एक और क्लास मैं इसके बाद लूंगी जिसमें एक बार और मैं आपको बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करूंगी, करवाऊंगी। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अब जरूरी नहीं है कि अब आप बोलोगे मैडम हम तो यही पढ़ के गए थे उसमें से कुछ आया नहीं। देखो ये मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करवा रही हूँ, अब मैं सिर्फ आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे रही हूँ। अब ऐसा इंस्टीट्यूट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इस चैप्टर के, वो मैं आपको सारे करवा रही हूँ, ठीक है, ओके। रिविजन की आदत हो गई, चलो आ जाओ सारे बच्चे, नहीं कल नहीं होगा शुभी, वो कल अपने दो दिन, कल और परसों ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, प्राइमरी सिक्योरिटी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। चलो प्राइमरी सिक्योरिटी, देखो जब आप क्या करते हो बैंक से, अगर आप क्या करोगे लोन वगैरह लोगे, तो बैंक के पास आपको क्या क्रिएट करनी पड़ती है, कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। लेट से ये बैंक है ICICI बैंक, ICICI बैंक से रिलायंस को क्या चाहिए, रिलायंस ICICI बैंक ने रिलायंस को 5 करोड़ का लोन दिया, तो ऐसे ही दे देगी क्या ICICI बैंक बिना किसी सिक्योरिटी रखे रिलायंस को लोन दे देगी क्या, ऐसा नहीं होता। ICICI अगर 5 करोड़ का लोन रिलायंस को दे रही है, कल चलकर रिलायंस ने रीपे नहीं किया तो फिर रिलायंस को क्या करना पड़ेगा, अपने किसी लैंड पे या अपने किसी बिल्डिंग पे क्या क्रिएट करना पड़ता है, सिक्योरिटी क्रिएट करना पड़ता है। इस सिक्योरिटी के बलबूते पे ICICI बैंक क्या दे रहा है, 5 करोड़ रुपया रिलायंस को दे रहा है।
कल चलकर अगर रिलायंस चुकाएगा नहीं तो आईसीआईसीआई बैंक का इस लैंड पे क्या है, इंटरेस्ट है, तो ये क्या कर सकता है, लैंड को बेच के, बिल्डिंग को बेच के 5 करोड़ रुपए को रिकवर कर सकता है विद इंटरेस्ट, करेक्ट। इसे कहते हैं सिक्योरिटी क्रिएशन। तो बेसिकली दो तरीके के सिक्योरिटी क्रिएशन होते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे अभी, ठीक है एवरीबडी, अभी ठीक है सारे बच्चे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरे लैग लैग लैग, चिल्लाया मत करो बस, चिल्लाने लग जाते तुम्हारे ना, पेशेंस खत्म हो चुका है तुम में, तुम जो लॉग हो गया बेटा, कोई बात नहीं ना, 2 मिनट में मैडम आ जाएगी, भागेगी कहाँ, आ जाओ। दो तरीके के सिक्योरिटी क्रिएशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है आपका कोलैटरल। सो बेसिकली एक होता है आपका प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया बेटा जी, मैम पूरा सिलेबस हो गया आपका, वाईफाई नहीं हुआ सही है, पिटाई गाने वाले काम हो रहे हैं, एक मिनट। तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी क्रिएशन क्या होता है, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दोगे। देखो प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, लेट्स से मुझे एक घर बनाना था, मुझे एक घर बनाना था, घर बनाने के लिए मैंने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, घर बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया और इसी घर को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिया, समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब जिस चीज के लिए मैंने लोन लिया है अगर उसी चीज को मैं एज अ सिक्योरिटी क्या कर दूं, बैंक के पास रख दूं, तो इस तरीके के सिक्योरिटी क्रिएशन को प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब जिस चीज के लिए मैंने लोन लिया, किस चीज के लिए लोन लिया, घर बनाने के लिए लोन लिया, और घर को ही जब मैंने एज अ सिक्योरिटी रख दिया तो इसे कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब लेट से मैंने अपने ज्वेलरी को क्या कर दिया, बैंक के पास रख दिया और बैंक से लोन ले लिया, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी इमूवेबल आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास एज अ कोलैटरल रख दिया, ज्वेलरी को रख दिया और लोन ले लिया, इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब एडिशनल आपने कोई सिक्योरिटी रखी है, करेक्ट। तो ये हो गई कोलैटरल सिक्योरिटी। आ जाओ प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब यहां पे अब ध्यान से पढ़ो आपको समझेगा। प्राइमरी सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर, ठीक है, बोरोवर ने कोई सिक्योरिटी ऑफर की है फॉर बैंक फाइनेंस, वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। बैंक ने आपको जिस चीज के लिए क्रेडिट दिया है, अगर आप उसी चीज को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर देते हो, उसे कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। वन अगेंस्ट विच, आपने किस चीज को एज अ सिक्योरिटी रखा, जिसके अगेंस्ट बैंक ने आपको क्रेडिट एक्सटेंड किया है, इस तरीके को बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएशन। कोलैटरल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, आपने अपने कोई भी टैंजिबल, इनटैंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल एसेट को बैंक के पास रख दिया और लोन ले लिया, इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। आपने कोई भी टैंजिबल, इनटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल एसेट को बैंक के पास रख दिया तो इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो बेसिकली ओके, तो ये हो गया नेचर ऑफ सिक्योरिटी। दो तरीके के सिक्योरिटी क्रिएशन होते हैं, प्राइमरी और कोलैटरल। वेरी गुड मैडम, समझ गए हम। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किन किन तरीकों से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, व्हाट इज द मोड, एक मिनट, ओके, व्हाट इज द, व्हाई विल यू टेक बोथ द सिक्योरिटीज एट वंस, दैट वोंट मेक सेंस ओनली ना। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, किन तरीकों से सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे मोर्टगेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, असाइनमेंट है, सेट ऑफ है एंड लीन है, मैं आपको इनको समझाऊंगी। मोर्टगेज करना मतलब, मोर्टगेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड मोर्टगेज और एक होता है इक्विटेबल मोर्टगेज। रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब क्या होता है बेटा जी, रजिस्टर्ड मोर्टगेज कैन बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मोर्टगेज डीड। मोर्टगेज करना मतलब आपने सुना है मोर्टगेज, हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना, तो रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब जब आप एक रजिस्टर्ड डीड के अंदर एंटर कर रहे हो, जिसे कहते हैं, जिसे आप एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंटर कर रहे हो, जिसे कहते हैं मोर्टगेज डीड। रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब क्या होता है, मोर्टगेज जिसमें आपने एक मोर्टगेज डीड में एंटर किया है, लिखित में आपने बैंक के साथ, बोरोवर ने बैंक के साथ लिखित में अगर कोई डीड एंटर किया है उसे कहते हैं रजिस्टर्ड मोर्टगेज, विच इज साइंड बाय द मोर्टगेजर। इट रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी टू द मोर्टगेजी एज अ सिक्योरिटी। आपने मोर्टगेजी के पास क्या कर दिया, बैंक के पास प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया। तो रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब जब आप एक मोर्टगेज डीड में एंटर किए हो, व्हिच इज साइंड बाय द मोर्टगेजर। ओके,
इक्विटेबल मोर्टगेज में क्या होता है, आप कोई डीड वगैरह में एंटर नहीं कर रहे हो, रजिस्टर्ड मोर्टगेज क्रिएशन के दो, आपके मोर्टगेज जो होता है उसके सेवरल काइंड होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रजिस्टर्ड मोर्टगेज। रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब जब आप एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में एंटर कर रहे हो, लिखित में एक डॉक्यूमेंट में एंटर कर रहे हो जिसे कहते हैं मोर्टगेज डीड, और आपने उस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी सामने वाले के पास रख दिया अंडर दैट डीड। इक्विटेबल मोर्टगेज में आप कोई डीड वगैरह को एंटर नहीं कर रहे हो, आपने बस क्या किया, अपने कागजात को, अपने प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को, कागजात को सामने वाले के पास डिलीवर कर दिया, सामने वाले के को दे दिया विद एन इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्रिएट करने के इंटेंट से आपने अपने प्रॉपर्टी के कागजात सामने वाले को डिलीवर कर दिए, उसे कहते हैं इक्विटेबल मोर्टगेज। तो देखो, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, मोड ऑफ क्रिएशन, तो सबसे पहले आपने पढ़ा है मोर्टगेज। तो मोर्टगेज कई तरीके से होते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है इक्विटेबल मोर्टगेज और एक है रजिस्टर्ड मोर्टगेज। रजिस्टर्ड मोर्टगेज में आप क्या करते हो, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में एंटर करते हो, मतलब लिखित में एक डॉक्यूमेंट में एंटर करते हो जिसे कहते हैं मोर्टगेज डीड। वेरी वेरी गुड, मोर्टगेज डीड विच इज साइंड बाय द मोर्टगेजर। इक्विटेबल मोर्टगेज में आप क्या कर रहे हो, कोई डीड वीड में एंटर नहीं कर रहे हो, मियर डिलीवरी कर रहे हो, आपने टाइटल डीड्स जो है कंपनी के कागजात जो है उनकी डिलीवरी सामने वाले को कर दी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए आपने सामने वाले को प्रॉपर्टी के कागज दे दिए, उसे कहते हैं इक्विटेबल मोर्टगेज, कोई डीड भी एंटर नहीं किया, इसे कहते हैं मोर्टगेज। वेरी गुड। दूसरा तरीका है प्लेज। प्लेज मतलब क्या होता है, मियर डिलीवरी ऑफ, बट इट इज मेंशन एट एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब आपने एक अलग से अगर कोई मूवेबल इमूवेबल एसेट वगैरह रखा है सामने वाले के साथ, और आपने वो तरीका है मतलब आपने कोई भी दूसरी चीज रख के किसी दूसरी चीज के लिए लोन लिया है, दैट इज एडिशनल सिक्योरिटी रखी है आपने, उसे कहते हैं कोलैटरल। मोड ऑफ क्रिएशन, चलिए इक्विटेबल मोर्टगेज हो गया, दूसरा है आपका प्लेज। प्लेज डज इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक विद एन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज देयर ऑन एज अ सिक्योरिटी फॉर द एडवांस। चाहिए, लेट से आपको बैंक से एडवांस चाहिए, आपको बैंक से कोई एडवांस चाहिए, तो आपने अपने गुड्स को, लेट से आपने अपने कुछ फिनिश्ड गुड्स को बैंक के पास जाके बैंक के गोडाउन में रखवा दिया, तो प्लेज कर दिया मतलब आप अपने गुड्स को डिलीवर कर दिए, बोरोअर ने अपने गुड्स को डिलीवर कर दिया बैंक के पास, मतलब क्या हो गया, लीगल ओनरशिप तो किसके पास रहेगी, विद द प्लेजर, वाइल द लेंडिंग बैंक गेट्स सर्टेन डिफाइंड इंटरेस्ट इन द गुड्स। द प्लेज ऑफ द गुड्स कंस्टिट्यूट अ फिक्स्ड चार्ज, मतलब प्लेज में क्या होता है, जो मान लो एक कंपनी बैंक से कोई एडवांस ले रही है, तो कंपनी ने अपने कुछ फिनिश्ड गुड्स क्या कर दिए, बैंक के पास डिलीवर करवा दिए, बैंक के गोडाउन में बैंक को दे दिए रखने के लिए, करेक्ट, और उसके अगेंस्ट आपने क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। तो प्लेज में क्या होती है, ओनरशिप किसके पास रहती है, बोरोवर के पास ही रहती है, बैंक के पास पोजेशन चला जाता है। प्लेज के अंदर क्या होती है, ओनरशिप किसके पास रहेगी, बैंक में ओनरशिप किसके पास रहेगी, बोरोवर के पास ही ओनरशिप रहेगी, पर पोजेशन किसके पास चला गया, आपने डिलीवर किसको कर दिया, आपने अपने गुड्स को डिलीवर किसके पास कर दिया, बैंक के पास, तो पोजेशन बैंक के पास है, बैंक के पास रखे हुए हैं वो गुड्स, पर ओनरशिप किसकी है, बोरोवर की है। समझ में आ गया एवरीबडी, इसे कहते हैं बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स, करेक्ट, बेलमेंट इज ऑल्सो डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो इसे कहते हैं प्लेज। लीगल ओनरशिप आप ही के पास है, बट ये एक फिक्स्ड चार्ज क्रिएट कर दिया आपने, फिक्स्ड चार्ज मतलब आपने किसी स्पेसिफिक गुड्स पे चार्ज क्रिएट किया है, आपने बैंक को कुछ स्पेसिफिक गुड्स डिलीवर कर दिए, उन स्पेसिफिक गुड्स पे आपने चार्ज क्रिएट कर दिया, तो इट्स अ फिक्स्ड चार्ज, इट्स अ स्पेसिफिक चार्ज। वेरी गुड। हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज, मतलब ये क्या है, फ्लोटिंग चार्ज होता है विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक। हाइपोथिकेशन के लिए आप क्या करते हो, एक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो, आप क्या करते हो, एक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू द बोरोवर। मूवेबल सिक्योरिटीज, हाइपोथिकेशन हमेशा किसका होता है, मूवेबल सिक्योरिटीज का होता है, जिनको आप मूव कर सकते हो, तो हाइपोथिकेशन मतलब आपने चार्ज क्रिएट किया है इन द फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक, लेंडिंग बैंक के फेवर में आपने एक चार्ज क्रिएट किया है हाइपोथिकेशन के अग्रीमेंट में एंटर करके। हाइपोथिकेशन में आप क्या करते हो, एक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसमें आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो इन द फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक, बैंकिंग
सामने वाले बैंक के फेवर में हाइपोथिकेशन के अग्रीमेंट में एंटर करके आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हाइपोथिकेशन मूवेबल सिक्योरिटीज का ही होता है जिनको आप मूव कर सकते हो। यहाँ पे ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही बोरोवर के पास है, दोनों ही बैंक के पास नहीं गई। प्लेज में क्या हुआ, पोजेशन चली गई थी पर ओनरशिप आप ही की थी, पोजेशन बैंक के पास थी। यहाँ पे क्या है, हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ओनरशिप भी है, बोरोवर के पास पोजेशन भी है, मतलब जिस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट किया है वो सिक्योरिटी बोरोवर के पास ही में ही पड़ी है, ओनरशिप और पोजेशन दोनों आपके पास है। बोरोवर होल्ड करता है इनका फिजिकल पोजेशन एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक, जो बोरोवर है वो ही इन चीजों को, गुड्स को होल्ड करता है एज एन एजेंट या ट्रस्टी ऑफ द बैंक। सबको समझ में आ गया, राइट इज क्रिएटेड। दिव्या, सिक्योरिटी क्रिएट कर देते हो आप रजिस्टर्ड मोर्टगेज में एंटर करके, आप उस सिक्योरिटी में क्या करते हो, इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो सामने वाले बैंक का, करेक्ट, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। हाइपोथिकेशन समझ में आ गया, हाइपोथिकेशन में क्या है, आपके पास पोजेशन भी है, मतलब बोरोवर के पास, बोरोवर के पास क्या है, जिसने बोरोइंग की है बोरोवर के पास ही पोजेशन है और बोरोवर के पास ही ओनरशिप है, वो इन चीज़ों को अपने पास होल्ड करके रखा है एज एन एजेंट, उसने बैंक के एजेंट जैसे, ट्रस्टी जैसे इन चीज़ों को होल्ड कर रखा है। और साथ साथ में क्या है, हाइपोथिकेशन किसका होता है, मूवेबल सिक्योरिटीज़ का होता है। और ये कैसे करते हो आप हाइपोथिकेशन, आप हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसमें आप क्या करते हो, सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, जो भी चीज़ का आप हाइपोथिकेशन कर रहे हो उसका एक सिक्योरिटी, मतलब उसके उस चीज़ की सिक्योरिटी आप बैंक के फेवर में क्रिएट कर रहे हो, करेक्ट, ओके। Didn't get it, क्या नहीं समझ में आया बेटा जी। Z1, hypothecation is like a floating charge. अगर आपने लॉ में भी इस चीज को पढ़ा है, fixed charge और floating charge. देखो मैं आपको फिर से समझा देती हूं, देखो प्लेज में क्या होता है, आपने अपने कोई गुड्स बैंक को डिलीवर कर दिए, बैंक के पास रखवा दिए, बैंक की बैंक अपने गुड्स बैंक को डिलीवरी दे दिए, तो यहाँ पे पोजेशन किसके पास आ गई, पोजेशन किसके पास चली गई, बैंक के पास पोजेशन चली गई, वेरी गुड। पर ओनरशिप किसकी रहेगी, ओनरशिप बोरोवर की ही रहेगी, वेरी गुड, ओनरशिप किसकी है, बोरोवर की ही है, इसे कहते हैं प्लेज, मतलब आपने अपने कुछ गुड्स सामने वाले के पास रखवा दिए, उससे आपने एज अ सिक्योरिटी रखवा दिए, उससे आपने लोन ले लिया, पोजेशन उसके पास चली गई, ओनरशिप आप ही की है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन का एक एग्जांपल है कार लोन भी आप बोल सकते हो। हाइपोथिकेशन में आपने कोई टैक्सी वैक्सी देखी है, बहुत सारी ऐसी टैक्सीज होती है जिसके पीछे लिखा हुआ होता है इट इज हाइपोथिकेटेड, हाइपोथिकेटेड लिखा होता है, बहुत सारे टैक्सीज अगर आप देखोगे रोड्स पे तो बहुत बार टैक्सीज के पीछे नोटिस करोगे हाइपोथिकेटेड। अब जिसमें क्या होता है, मान लो उस हाइपोथिकेशन में के लिए आप क्या करते हो, हाइपोथिकेशन सबसे पहले मूवेबल सिक्योरिटीज का ही होता है जो मूव हो सकती है। हाइपोथिकेशन के अंदर आप एक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसमें क्या होता है, जिस चीज पर आपने हाइपोथिकेशन क्रिएट किया, लेट्स से कार अगर हाइपोथिकेटेड है तो पोजेशन भी आप ही के पास है, ओनरशिप भी किसके पास है, बोरोवर के पास है, मतलब आपने ही होल्ड कर रखा है एज एन एजेंट ऑफ द बैंक। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार लोन लिया, आपने क्या लिया, कार लोन लिया, तो बैंक से आपने लोन ले लिया कार खरीदने के लिए, आप टाइम टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो कार ही क्या है, आपने हाइपोथिकेट की हुई है, तो कार को तो आप यूज कर रहे हो ना, आपने कार के कार लोन लिया है, लेट्स से कार लोन ले लिया बैंक से, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो कार ही क्या है, एज अ सिक्योरिटी है, और आप उस कार को कौन यूज कर रहा है, बोरोवर यूज कर रहा है, टाइम टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। समझ में आ गया Z1, समझ में आ गया। तो आपके पास ही पोजेशन है, आप ही के पास ओनरशिप है, आप एक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर किए हो, एवरीबडी समझ में आ गया, जहां पे जिस चीज पे सिक्योरिटी क्रिएट हुई है बोरोवर उस चीज को यूज कर रहा है, उसी के पास पोजेशन है, उसी के पास ओनरशिप है। सारे बच्चे समझ में आ गए क्या, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने पढ़ लिया मोर्टगेज, रजिस्टर्ड मोर्टगेज मतलब आप एक रजिस्टर्ड मोर्टगेज डीड में एंटर करते हो, इक्विटेबल मोर्टगेज मतलब हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी के कागजात को सामने वाले को डिलीवर कर दे रहे हो, प्लेज मतलब डिलीवरी कर रहे हो गुड्स की, ओनरशिप आप ही के पास है, हाइपोथिकेशन के लिए हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसमें आप चार्ज क्रिएट करते हो इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक,
हाइपोथिकेशन के लिए आप क्या करते हो, पोजेशन भी आप ही के पास है, ओनरशिप भी आप ही के पास है, आपने उस सामान को एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रखा है, मतलब बैंक का ही, मतलब बैंक का इंटरेस्ट है उस सामान पे, पर आपने एज अ ट्रस्टी एजेंट उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। असाइनमेंट मतलब क्या हो गया, असाइनमेंट, असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर, असाइन कर देना, मैंने अपनी ड्यूटीज सामने वाले को असाइन कर दी, असाइन कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया, असाइन का वर्ड मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर कर दिया, आपने अपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को या राइट को किसको ट्रांसफर कर दिया, इन फेवर ऑफ द अनदर पर्सन, मतलब लेट से मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ पैसा आना फ्यूचर में आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, इस LIC के राइट को, ये जो पैसा आएगा तो ये किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, तो मैंने मेरे राइट को ट्रांसफर कर दिया। लेट्स से मेरे बुक्स में डेटर्स हैं, जो डेटर्स मुझे 6 महीने में पेमेंट करेंगे, तो मैंने ये राइट टू रिसीव किसको, मैंने बैंक से तो लोन ले लिया, और डेटर्स का राइट किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो मतलब मैंने मेरा, बेसिकली मैंने मेरा राइट किसको ट्रांसफर कर दिया, बैंक को ट्रांसफर कर दिया, इसे कहते हैं असाइनमेंट। ओनली एक्शनेबल क्लेम जैसे बुक डेट्स या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एज अ सिक्योरिटी, ऐसे केस में बैंक जो है जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को, बुक डेट्स वगैरह को एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट करता है। तो असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर कर देना, आपने अपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को, राइट को, प्रॉपर्टी को जो आपको बिलोंग करती है, आपने उसे बैंक को ट्रांसफर कर दिया। लेट से आपने अपने बुक डेट्स को, अपने अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को क्या कर दिया, सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ गया, जो राइट आपका है आपने अपने राइट को एज अ सिक्योरिटी सामने वाले बैंक को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसे कहते हैं असाइनमेंट। सेट ऑफ मतलब आपका, सेट ऑफ इज अ स्टैचुटरी राइट, बैंक का ये स्टैचुटरी राइट है ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस। दैट से मैंने कुछ पैसा मेरा बैंक में पड़ा हुआ भी है और मैंने बैंक से लोन भी ले लिया, अब मैं बैंक को लोन चुका नहीं रही हूँ, तो बैंक क्या कर सकता है, मेरे डेबिट बैलेंस को मेरे क्रेडिट बैलेंस के साथ अपने आप सेट ऑफ कर सकता है, ये बैंक का राइट है, इसे कहते हैं सेट ऑफ कर देना। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ भी है और कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट भी किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेट ऑफ कर रहे हो, मतलब आप डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के साथ सेट ऑफ कर दिया, मतलब कुछ पैसा मुझे लेना था, कुछ पैसा मेरा पड़ा था, उसको सेट ऑफ कर दिया, तो ये स्टैचुटरी राइट किसका है, बैंक का है, ठीक है। तो बेसिकली डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के साथ बैंक क्या कर देगा, आपके हो सकता है तीन से ज्यादा, तीन चार अकाउंट्स है बैंक में, आपने बैंक से लोन भी ले रखा है और आपके तीन चार अकाउंट्स भी खुले हुए हैं, तो अगर आप लोन रिपे नहीं करोगे तो उसे सेट ऑफ कर देगा बैंक, मतलब डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के साथ सेट ऑफ कर देगा, उसे कहते हैं सेट ऑफ। लीन मतलब क्या होता है, लीन इज अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज, लीगल चार्ज आपने क्रिएट किया है ओनर की कंसेंट लेके, विच गिव्स द लेंडर अ लीगल राइट टू सीज एंड डिस्पोज ऑफ एंड लिक्विडेट द एसेट अंडर लीन। लीन में आप क्या क्रिएट करते हो, लीगल चार्ज क्रिएट कर देते हो। लीगल चार्ज क्रिएट करने से क्या होगा, अगर आप सामने वाले को पैसा नहीं दोगे ना, तो सामने वाला आपकी, उसके पास राइट आ जाता है, उसके पास इतना राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को खुद बेच के क्या कर सकता है, पैसे को रिकवर कर सकता है। तो लीन मतलब जिसमें लीगल चार्ज क्रिएट होता है ओनर के कंसेंट से, जिस जो भी बोरोवर है उसके कंसेंट से लीगल चार्ज क्रिएट होता है, जिसमें जो लेंडर है बैंक है, वो कभी भी अगर आप पैसा नहीं पे करोगे तो लेंडर क्या कर सकता है, लेंडर के पास एक लीगल राइट आ जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है, बेच के पैसे को रिकवर कर सकता है। समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे सारे टाइप के सिक्योरिटी क्रिएशन देख लिए, पहला सिक्योरिटी मैं बेसिक बेसिक लिखती हूँ जो भी आपने इनके बारे में पढ़ा। चलो पहले आपने पढ़ा मोर्टगेज के बारे में, मोर्टगेज में आपने क्या पढ़ा, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोर्टगेज, एक होता है रजिस्टर्ड मोर्टगेज और एक होता है आपका इक्विटेबल मोर्टगेज। इक्विटेबल मोर्टगेज क्या है, जिसमें आपने क्या कर दिया, डिलीवरी कर दिया अपने टाइटल डीड्स का सामने वाले के पास, टाइटल डीड को आपने डिलीवर कर दिया सामने वाले को एज एन इंटेंशन टू क्रिएट चार्ज। रजिस्टर्ड मोर्टगेज में आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डीड में एंटर कर रहे हो, इसे कहते हैं रजिस्टर्ड मोर्टगेज, मतलब लिखित में एक डीड में एंटर करते हो विच इज साइंड बाय द मोर्टगेजर, तो इसे कहते हैं रजिस्टर्ड डीड। अब उसके बाद आपने पढ़ा प्लेज, प्लेज में क्या कर रहे हो, आप अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहे हो सामने वाले को, गुड्स को आप क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, पर किसको डिलीवर कर रहे हो, बैंक को गुड्स डिलीवर कर दे रहे हो, पर ओनरशिप किसकी रहेगी, ओनरशिप किसकी रहेगी, वो बोरोवर की ही रहेगी। वेरी गुड। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन के लिए आप क्या एंटर करते हो, हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में आप एंटर करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, सिक्योरिटी मतलब बेसिकली हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में आप क्या कर रहे हो, आप
सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक, लेंडिंग बैंक के फेवर में आप किसी चीज को हाइपोथिकेट कर रहे हो तो उसकी फेवर क्रिएट कर रहे हो, मतलब उसका सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में एंटर करके. हाइपोथिकेशन मूवेबल सिक्योरिटीज का ही होता है, वेरी वेरी गुड. और हाइपोथिकेशन में ओनरशिप भी आपकी और पोजेशन भी आपकी, मतलब बोरोवर की. आप बस एजेंट जैसे आप उस सामान को यूज कर सकते हो, बट एज अ एजेंट आप बैंक के लिए वो सामान होल्ड कर रहे हो. सेट ऑफ करना मतलब बैंक के पास ये स्टैचुटरी राइट है कि वो डेबिट बैलेंस से क्या सेट ऑफ कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस को सेट ऑफ कर सकता है. ओके, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, लीन. लीन मतलब लीगल चार्ज को क्रिएट करना, इट्स अ लीगल चार्ज जिसने आप विच इज क्रिएटेड बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ बोरोवर. बोरोवर का कंसेंट लेके आप लीगल चार्ज क्रिएट करते हो. अगर आपने पैसे नहीं दिए तो सामने वाला क्या कर सकता है, आपके एसेट को डिस्पोज कर सकता है, सीज कर सकता है, बेच सकता है और सामान को रिकवर कर सकता है. वेरी गुड. और आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है असाइनमेंट. असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर कर देना अपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को, राइट को, या किसी इंटरेस्ट को, या प्रॉपर्टी को जो आपको बिलोंग करती है, आपने किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, उसे कहते हैं असाइनमेंट. जनरली बुक डेट्स या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. सारे बच्चे समझ में आ गया? ओके, परफेक्टो बेटा जी. तो यहाँ पे ये हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनपीए का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कॉन्सेप्ट विल बी टेकन इन नेक्स्ट क्लास, और ऑडिट ऑफ एडवांसेस का कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में लूंगी. तो पूरा एनपीए का जो कॉन्सेप्ट है ये कल की क्लास, मतलब कल नहीं, मैं आपको डेट बता देती हूँ. चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम एनपीए का पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे अपना ऑडिट ऑफ एडवांसेस का, जो कि भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, चलिए, वेरी वेरी गुड बच्चों. इसी के साथ मैं आप लोग को बता देती हूँ अपनी कल की क्लास में, एक मिनट, आज का डेट है 16th आज डेट है, 17th को और 18th को, 17th और 18th को कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा दो दिन. आप लोग जिन्होंने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं पढ़ा है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 17 तारीख और 18 तारीख दो दिन पढ़ाया जाएगा. उसके बाद 19th 20th आपकी दो दिन छुट्टी होगी मेरी तरफ से, और 21st को मैं ये सेकेंड पार्ट लूंगी ऑडिट ऑफ बैंक का, उसकी क्लास में अभी ही क्रिएट करके रख दूंगी. तो ऑडिट ऑफ बैंक की नेक्स्ट क्लास 21st को होगी, पार्ट टू करके मैं उसका नाम दे दूंगी. ठीक है, एंटिटीज वाला करा दूं मैम, वही तो है बेटा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का ही पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. तो कल की क्लास 17th 18th की कल की क्लास, दो क्लास ये होगी, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी 17-18 की कल दो दिन. और 21st ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक को मैं फिर से लूंगी दो दिन की ब्रेक के बाद. 21st को ऑडिट ऑफ बैंक अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस उसके कवर कर देंगे. ठीक है मैम, योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड, गेन्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर रेफरिंग रिविजन लेक्चर्स. थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच. मैम आपके ये वाले लेक्चर से कितना पोर्शन कवर हो जाएगा ऑडिट ऑफ बैंक का? ऑलमोस्ट ऑडिट ऑफ बैंक में आपका कवर कर दूंगी 60-70% तक कवर हो जाएगा ये दो लेक्चर्स में. ठीक है, 70% कवर हो जाएगा, कुछ 30% रहेगा उसमें आप सेलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो उसकी. ठीक है, ऑलमोस्ट दो क्लासेस में, आज और एक और क्लास जो मैं लूंगी जिसमें पूरा एनपीए करवाऊंगी और ऑडिट ऑफ एडवांस करवाऊंगी, उसमें ऑलमोस्ट 70% कवर होगा. उसके बाद आप थोड़ा बहुत और देख सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, CA दीपिका. तो बच्चों जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा टीचिंग टेक्निक पसंद है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, अगर आपको मुझसे ऑडिट एंड लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना है और दूसरे टीचर्स से पूरे ग्रुप वन और ग्रुप टू की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माय कोड, दैट इज CA दीपिका. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. दीपिका मेरा नाम है, CA में हूँ तो CA दीपिका. चलो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. आज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद. सी यू बेटा जी, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू.